वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जिसकी वजह से यह पूरा पुलिस एक्शन हुआ वो शख्स अभी भी पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जहां लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान सिंह, जिसे अजराला पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 23 फरवरी को इसी तूफान सिंह को छुड़ाने के लिए अमृतपाल अपने समर्थकों के साथ अजराला पुलिस थाने पहुंचा था और वहां पर इसको छुड़वाने की शर्त रखी थी। ये शर्त पंजाब पुलिस ने मानी थी और अगले ही दिन उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद से तूफान सिंह फरार है, अभी तक पंजाब पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने अपना पूरा जो फोकस है वो तूफान सिंह को पकड़ने की तरफ शिफ्ट कर दिया है। तूफान सिंह की तलाश की जा रही है और तूफान सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस बाकायदा एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी चला रही है, क्योंकि अमृतपाल और उसके जो तमाम सहयोगी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तूफान सिंह और एक या दो शख्स ऐसे हैं जो हमेशा साय की तरह अमृतपाल के साथ रहते थे, वही अब पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और उनमें से जो सबसे प्रमुख नाम है वो है तूफान सिंह। तूफान सिंह को रिहा करवाने के लिए अमृतपाल ने थाने पर उपद्रव मचाया था। अब तूफान सिंह की तलाश तेज हो गई है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि तूफान सिंह भी बहुत जल्द पंजाब पुलिस की गिरफ्त में होगा।